शुक्रवार को हमारे यहाँ मेरे पास में ही पड़ता है, बसरियर से शायद 15 किलोमीटर दूर की लड़की थी गंगापुरा की, जहाँ असित इंटर कॉलेज है उसी गंगापुरा की लड़की है। उसका विवाह शुक्रवार को हुआ और शुक्रवार को वो लड़का विवाह करके बेटी को लेके पहुंचा गोकुलपुरा, जो किसनी क्षेत्र में पड़ता है। हाँ, शुक्रवार को। और जाकर के शाम को ऐसा हुआ, उसके बड़े भाई ने, अब क्या था गहराई कौन किसे पता है, भाई ने भाई का ही कत्ल कर डाला, भाई ने भाई का गला घोंट दिया, बड़े भाई ने एक नहीं 5 हत्याएं की है, बड़े भाई ने 5 को मारा है। शाम को सोते समय उसने कौन सा जहरीला पदार्थ डाल दिया कोल्ड ड्रिंक में और शाम को 5ों को पिलाया, किसे किसे पिलाया, अपने बहन अपने बहनोई, अपनी छोटी बहन छोटे भाई, छोटे भाई की बहू को जो शुक्रवार को ब्याह के लाया था उसी दिन की बात, शाम को पिला दिया। शाम को पिलाने के बाद किसे मालूम है कि किसके हृदय में क्या चलता है, रात्रि भर सहन नहीं कर पाई उस बेटी ने, रात्रि में ही बड़े भाई ने 5ों को काट डाला फरसे से, और ऐसी दयनीय दशा में काटा है बड़े भाई ने उन सभी को कि शायद देखने वाले के भी रूह कांप जाएंगे। धिक्कार है ऐसी औलाद को, धिक्कार है ऐसे संस्कारों को। उस मैया से पूछो जिसने अपनी बेटी की डोली अपने आंगन से जब उठाई होगी तो क्या कह करके उठाई है। उस मैया से पूछो कि जिस मैया ने अपने आंगन में बेटी को पाला पोषा बड़ा किया, एक एक रुपया तुमसे हमसे जुटा करके उसका विवाह किया, कर्ज कड़वा लेकर के उसके पीले हाथ किए और सारा का सारा पानी में मिला दिया। आज वो माँ बाप उनकी तड़फ अगर कोई देखे, लेकिन बाद में जिस बेटे ने उनको मारा है खुद भी गोली मार ली और खुद भी मर गया, इनको हम क्या कह सकते हैं, क्या कह करके इनको सिखाएंगे। भैया बिल्ली रंग स्वभाव न बदले चाहे कथा भागवत रोज सुनियो, और आंख ढक चंदन न बने चाहे मलिया गिर के पास लगे, तर्ज राग पशु का जाने चाहे भैंस के आगे बीन बजियो, और कायर कबहू ने सूर बने चो कर में दो तलवार थवियो। कुकर्मी कभी अपने कुकर्म को नहीं छोड़ सकता है, चाहे जितनी आप उसे अखंड रामायण कथा भागवत सुनाना, बदलेगा नहीं, क्योंकि जब तक वो स्वयं को अपने आप को नहीं बदलना चाहेगा तब तक कोई दुनिया भर की औकात नहीं है जो उसे कोई बदल दे। तू तो मर के चला गया, हत्याएं करके चला गया, लेकिन उसे पूछो, उस मैया को पूछो जिस मैया ने अपना घर आंगन भी साफ नहीं कर पाया बेटी की डोली उठा के, उस पिता को पूछो जो कोने में रो रहा है बेटी की डोली उठाने के बाद, उसके अभी पैर भी सीधे नहीं हुए हैं, पैर टूटे पड़े थे बेटी की डोली करने के बाद, माता पिता के पैर वैसे भी टूट जाते हैं, वो 3 दिन तक उठ नहीं पाते, और टूटे को भू तू क्या तोड़ेगा। कहते हैं अरे रोई रही वो मात और लली सीना से लगाती है, we
दुल्हन को लेके घर पहुंचा, क्या मालूम था, क्या उसे पता था, जब जब रक्षाबंधन आती है बहन भैया को याद करती है। भाई कहीं रणभूमि में फंस जाता है, कोई दुश्मन घेर लेता है, तो कितना भी भाई दुश्मन हो फिर भी उसी की याद आती है कि यदि मेरा भाई, मेरे भाई को खबर हो जाए तो भाई मेरा आ जाएगा, मुझे बचा लेगा। लेकिन अगर ऐसा भाई है, ऐसे भाई को पाकर के दुनिया क्या करेगी। धन्य है तेरे जैसे भाई को, धिक्कार है तेरे जैसे भाई को, तूने एक नहीं पांचों को खा लिया। तभी तो कहते हैं भक्तों, मेरी मुहूर्त टल जाती है लेकिन परमात्मा की मुहूर्त नहीं टलती है। आज सुमैया ने किस घड़ी में अपने बेटे का विवाह किया होगा, उस बेटी की मां ने किस घड़ी में डोली उठाई होगी,
शुक्रवार को विदा किया लेकिन सुबह का सूरज नहीं देख पाया, सुबह का सूरज नहीं देख पाया, उसी रात में ही मौत के घाट उतार दिया दुश्मन ने, और खुद भी सुख नहीं झेल पाया, खुद भी मौत के घाट उतर गया। इसे क्या कहेंगे, किसकी तुलना देंगे इसको? क्या इसने कभी जीवन में सत्संग नहीं किया होगा? क्या इसने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी होगी? क्या कभी जीवन में इसने माँ बाप के आंचल में सोया नहीं होगा? क्या इसने माँ के गोदी में बैठकर दूध नहीं पिया होगा? धिक्कार है तेरे जैसी औलाद को, ऐसी औलाद को पाना, इससे पहले मैया बाज बनी रहे, कम से कम जीवन में बाज का नाम तो अच्छा है। ये कह लेगी कि हमारे पुत्र ही नहीं है, ऐसे पुत्र को पाकर के मैया करेगी तो करेगी क्या? ठीक है भगवान, कभी किसी के साथ ऐसा ना करे, और हम तो कहेंगे उनकी आत्मा जहां हो भगवान उन्हें शांति धारण करे, और ऐसे दर्दनाक मौत देने वाले को तो कभी सात जन्म सुख नहीं मिलेगा। हम इसीलिए कहते हैं भक्तों, सब सब करना जीवन में, लेकिन किसी की आत्मा को दुख मत देना, सबसे बड़ा अपराध है। आपके पास अगर आधी रोटी है तो उसे चैन से खा लेना, पर किसी दूसरे की देख करके हमें मन नहीं ललचाना है। देख पराई चू पड़ी और मत ललचावे जी, किसी को देख करके हमें दुख महसूस नहीं करना है। हम जैसे हैं अच्छे हैं, जितना हमें भगवान ने दिया है बहुत है। जाही विद राखे राम ताही विद रहिए।